जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, देखो आज की क्लास बेसिकली हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन उत्तर अमेरिका के ऊपर होने वाली थी। चूंकि किसी भी जगह का भौतिक भूगोल समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, ज्योग्राफी की स्पेसिफिक रूप से टर्मिनोलॉजी होती है, हम लोगों ने अभी तक टर्मिनोलॉजी को तो पढ़ा नहीं, तो आगे आने वाली जो क्लासेज होंगी नॉर्थ अमेरिका हो या साउथ अमेरिका हो उसको समझने में हमको दिक्कत आती। तो हमने क्या किया कि जो आज की क्लास जो होनी थी उसको कल स्थगित कर दिया है और आज हम लोग जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसके ऊपर क्लास ले रहे हैं। तो आप लोग इस टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि भौतिक भूगोल को समझने में आसानी होगी। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि द्वीप क्या होता है, आइलैंड क्या होता है। इससे पहले की क्लास में हमने आपको स्पष्ट कर दिया था कि विश्व में 5 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। तो देखो दोस्तों, यदि किसी भी महासागर में यदि किसी मुख्य जल के स्रोत के अंदर जो बड़ा सा जल हो, यानी कि मान के चलो किसी महासागर में कोई जमीन का छोटा टुकड़ा आ जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा, द्वीप कहा जाएगा। शायद आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिएगा, हमारे यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी है उसमें यदि जमीन का छोटा सा टुकड़ा आ गया तो उसे क्या कहा जाता है, द्वीप। क्या कहा जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप बोला जाता है, ठीक है ना। जहां पे जैसे कि अरब सागर है, अरब सागर के अंदर यदि जमीन का छोटा सा टुकड़ा आ गया तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लक्षद्वीप। क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप बोला जाता है। अब देखो दोस्तों, हम लोग उसको लक्ष्य महाद्वीप क्यों नहीं बोल देते, क्योंकि वो जो जमीन का टुकड़ा है वो छोटा है। तत्पश्चात आप लोगों को समझ में आया होगा कि आइलैंड क्या है। आइलैंड की सीधी सी परिभाषा ये है कि किसी भी महासागर के अंदर, किसी भी सागर के अंदर यदि कोई जमीन का छोटा सा टुकड़ा आ जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, द्वीप बोला जाता है। यहाँ पर यदि आप बात करेंगे कि यहाँ पे जो अटलांटिक महासागर है इसमें एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है तो इसको क्या बोला जाता है, क्यूबा द्वीप समूह बोला जाता है, ठीक है। अब तत्पश्चात हम लोग देखो दोस्तों, इसी का बड़ा रूप होता है कॉन्टिनेंट। क्या होता है, महाद्वीप। देखो दोस्तों, जो महासागर है ना इसके अंदर यदि कोई बड़ा जमीन का टुकड़ा आ जाएगा तो उसे महाद्वीप बोला जाएगा, यदि छोटा जमीन का टुकड़ा है तो आइलैंड, लेकिन वहीं पर यदि ये बड़ा हो जाएगा तो इसको क्या बोला जाएगा, महाद्वीप बोला जाएगा। विश्व में कितने महाद्वीप है, वो है 7 महाद्वीप। कौन कौन से है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे कि आइलैंड और कॉन्टिनेंट में क्या डिफरेंस होता है। आइलैंड जो है वो छोटा रूप है और वही कॉन्टिनेंट बड़ा रूप है। तत्पश्चात हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों वैली की तरफ। घाटी क्या होता है, जोर्ज क्या होता है, गोर्ज बोलते हैं कोई, जोर्ज बोलता है, जो भी हो। देखो दोस्तों, पहाड़ है, मान के चलो पहाड़ के बीच में, बीच का जो एरिया है जहां पर बसावट भी हो सकती है, जहां पर बसावट भी होती है, जैसे कश्मीर की घाटी हो जहां पर कश्मीरी लोग रहते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, वैली बोला जाता है, घाटी बोला जाता है। पहाड़ के बीच का जो ये क्षेत्र होता है उसे क्या बोला जाता है, वैली बोला जाता है। इतना समझ में आया। अब तत्पश्चात आता है दोस्तों एक गोर्ज। देख लो यार, अपने हिसाब से गोर्ज होता है, जोर्ज होता है, स्पेलिंग GORGE। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये पहाड़ है, पहाड़ नीचा भी हो सकता है, ऊंचा भी हो सकता है। यदि कोई घाटी, जैसे कि ये पहाड़ है दोस्तों, अब यदि ये बीच का एरिया क्या हो जाएगा, वैली हो जाएगा, लेकिन यदि ये एरिया नीचा हो जाए, यदि ये घाटी नीची हो जाए, यदि ये घाटी नीचे चल जाए तो उसी को क्या बोला जाता है, गोर्ज बन जाता है, ठीक है। वैली जो है ये थोड़ी ऊपर होती है, लेकिन यदि ज्यादा नीची वैली हो जाए, यदि ज्यादा नीची घाटी हो जाए तो उसी को क्या बोला जाता है, गोर्ज बोला जाता है। इतना समझ में आ गया। हम लोग आपको यहाँ पर कोई मतलब भूगोल वेता नहीं बना रहे, बेसिक जो कंसेप्ट है, बेसिक जो चीजें हैं उसको समझा रहे हैं। अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि जो भौतिक भूगोल है उसको समझने में आसानी होगी। तत्पश्चात हम लोग देखो दोस्तों, एक नदी का कंसेप्ट होता है कि नदी क्या होती है, नदी की सहायक नदी क्या होती है, नदी का बेसिन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, डेल्टा को क्या होता है, इसके बारे में समझो। देखो दोस्तों, ये क्या है, पहाड़ है। अब पहाड़ पे यदि कोई जल स्रोत हो, यानी कि यदि कोई जल का स्रोत हो बड़ा, यानी कि आइसबर्ग वगैरह हो, वो जमा हुआ हो, तो यानी जमीन जब पहाड़ से यदि कोई जल का स्रोत बहकर के आने लग जाए तो उसको क्या कहा जाएगा, नदी कहा जाएगा। जैसे कि हमारी जो गंगा नदी है वो हिमालय, यहाँ यमुनोत्री गंगोत्री से निकल कर आती है, इंडस नदी है वो मानसरोवर झील से निकल कर आती है, तो हिमालय क्या है, पर्वत है, पर्वत से यदि जल का स्रोत बहकर के आने लगा तो क्या बन गई, गंगा नदी बन गई, उधर इंडस नदी बन गई। अब देखो दोस्तों, जब ये गंगा नदी आ रही है ना तो इसके अंदर क्या होता है, चंबल नदी आकर के मिल जाती है,
यहाँ पर बेतवा नदी आकर के मिल जाती है, यहाँ पर सोन नदी, गंडक नदी, कोसई नदी आकर के मिलती है। तो देखो दोस्तों, जो मुख्य जल का स्रोत पहाड़ से निकल के आ रहा है उसको तो क्या बोला जाएगा, नदी बोला जाएगा। लेकिन इस नदी में यदि कोई छोटी 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 नदी आकर के मिलती है तो उसे बोला जाता है ट्रिब्यूटरी। क्या बोला जाता है? ट्रिब्यूटरी बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है? सहायक नदी बोला जाता है। अब देखो दोस्तों, नदी का एक स्पेसिफिक क्षेत्र होता है, एक क्षेत्र के बाद में जाने के बाद में उसकी गति कमजोर हो जाती है। कि ज्योग्राफी के अंदर हम लोग आगे समझते रहेंगे, एक समय के बाद में उसकी गति कमजोर हो जाती है और ये जो नदी है ये टूटने लग जाती है। जब नदी जो है आपस में टूटने लग जाए, यानी कि उसकी जो शाखाएं बटने लग जाए, तो उसे क्या बोला जाता है दोस्तों? डिस्ट्रीब्यूटरी। समझ में आया होगा, जो ट्रिब्यूटरी है वो तो होती है सहायक, जबकि डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है? उसको तोड़ देती है। नदी जो है अलग अलग उसके पंख से खिंच जाते हैं। इतना समझ में आया होगा। अब देखो दोस्तों, जहां पर नदी अंतिम क्षण में होती है, जब जो नदी है वो पूरा सब कुछ यहाँ से जो मिट्टी वगैरह लेकर के आती है, जब पानी जब बहता है तो अपने साथ में गाद लेकर के चलता है, कुछ मिट्टी लेकर के चलता है, कुछ अलग अलग सोर्स लेकर के चलता है। तो जब ये सब कुछ लेके आकर के एक जगह पर जब नदी कमजोर पड़ जाती है, जब नदी बूढ़ी हो जाती है, तो जब सब कुछ लाया हुआ जमा करती है तो जो मिट्टी वगैरह जमा होती है उसे क्या बोला जाता है? डेल्टा बोला जाता है। आप लोग यहाँ पर जानते हैं कि बांग्लादेश के अंदर जो गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, मिलकर आकर क्या बनाती है? पद्मा का डेल्टा बनाती है। और जो डेल्टा होता है ना यहाँ पर दोस्तों, नई मिट्टी आती है, जो यहाँ पे जैसे कि नदी है ये पहाड़ से कट के आई तो पहाड़ की मिट्टी काट कर आई है, और नई मिट्टी हमेशा उपजाऊ होती है। तो दोस्तों जो डेल्टा है ना, डेल्टा बहुत सारा उपजाऊ होता है। पद्मा का डेल्टा हो, बांग्लादेश के अंदर जो डेल्टा वगैरह है, आप लोग समझ पाए होंगे कि जो नदी की अंतिम जो श्रेणी है, अंतिम जो स्टेज है, वो क्या कहलाता है? डेल्टा कहलाता है। इतना समझ में आया होगा कि आईलैंड क्या है, वैली क्या है, कॉन्टिनेंट क्या है, गोर्ज क्या है, ट्रिब्यूटरी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है, और ये डेल्टा वगैरह जो है, इतना समझ में आ गया। तत्पश्चात हम लोग देखते हैं दोस्तों, बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज है, आने वाली चीजें भी, इनको ध्यान से समझिएगा, केप और पेनिनसुला क्या है। देखो दोस्तों, हमने आपको बताया कि जमीन का वो एरिया, क्या जमीन का वो छोटा एरिया जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसे बोलते हैं आईलैंड। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जमीन का एक छोटा एरिया पानी के तीनों तरफ से गिर जाए। यदि ये जमीन का छोटा टुकड़ा पानी के चारों तरफ गिर जाता तो आइलैंड हो जाता। लेकिन दोस्तों, यदि जमीन का छोटा टुकड़ा पानी से तीनों तरफ से गिर जाए तो बन जाता है केप। क्या बन जाता है दोस्तों? केप बन जाता है। क्या बन जाता है? केप बन जाता है। तत्पश्चात हम लोग देखते हैं दोस्तों, पेनिनसुला क्या है। जमीन का यदि कोई बड़ा टुकड़ा दोस्तों पानी के तीन तरफ से गिर जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? प्रायद्वीप कहा जाएगा। आप लोग देखते हैं कि भारत का जो नीचे का एरिया है, भारत को यदि आप लोग देखेंगे, गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक का जो एरिया है, यदि उसको देखेंगे तो भारत का जो नीचे वाला जो एरिया है, दक्षिण भारत है, वो पूरा तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो उसको क्या कहा जाता है? भारतीय प्रायद्वीप कहा जाता है। अब ये जो एरिया है कि अटलांटिक महासागर के अंदर तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इसको क्या कहा जाता है? इस जगह का नाम है फ्लोरिडा। तो क्या बन जाएगा? फ्लोरिडा प्रायद्वीप। अब देखो दोस्तों, ये जो एरिया है ये मेक्सिको का एरिया है, ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इस एरिया को क्या कहा जाता है? यूकाटन प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूकाटन प्रायद्वीप कहा जाता है। जबकि ये जो एरिया है आपको दिखाई दे रहा है कि ये भी तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, गुडसन की खाड़ी है, यहाँ पर अटलांटिक महासागर है। तो देखो दोस्तों, इस एरिया को क्या कहा जाएगा? प्रायद्वीप कहा जाएगा। अब इसका नामकरण क्या है? लैब्राडोर का प्रायद्वीप। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा कि केप क्या है और प्रायद्वीप क्या है। तो पश्चात हम लोग देखो दोस्तों, ये जो बचे हुए कंसेप्ट है इसके बारे में देखते हैं। क्रिक क्या है, गल्फ क्या है, बे क्या है। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि जो जमीन का जो एरिया है ना, देखो जमीन है ये, अब जमीन के अंदर थोड़ा सा यदि पानी घुस जाए, तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? क्रीक कहा जाता है। जैसे कि मान के चलो कि ये जमीन है, अब यदि इसमें थोड़ा सा पानी घुस जाए, बिल्कुल थोड़ा सा पैनी, जैसे कि सुई की तरह, जैसे कि ऐसे पानी घुस जाए पैना करके, बिल्कुल पैना पैनी जमीन आकार के अंदर यदि पानी घुस जाए तो उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? क्रीक कहा जाएगा। समझिए इस चीज को, यदि जमीन के अंदर थोड़ा सा पानी घुस जाए बिल्कुल भी आकार के अंदर, तो क्या हो जाएगा? क्रीक कहलाएगा।
अब मान के चलो आपको पता है कि समुद्र के अंदर बड़ी सारी लहरें उठती है, जब यहाँ पर एक बार किसी भी चीज के अंदर यानी सुराख करने में समय लगता है, उसको फाड़ने में समय नहीं लगता है। तो आपको पता है कि पृथ्वी तो बहुत पुरानी है, लाखों करोड़ों साल की है, हर लाखों करोड़ों साल के अंदर पृथ्वी का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। तो यहाँ पर जब लहरें टकराएंगी तो यहाँ पर ये जो पानी है ज्यादा जाने लगेगा, जो ये वी आकार जो है ना, ये वी आकार ज्यादा हो जाएगा थोड़ा सा। समझ में आया आप लोगों को? ये जो वी आकार है ना, ये थोड़ा पानी जा रहा था, जब ये पानी ज्यादा बढ़ जाने लग जाए, यदि पानी ज्यादा जमा होना लग जाए, तो इसको क्या कहेंगे? गल्फ कहेंगे। समझिएगा आप लोग इस चीज को कि जो हमारे यहाँ पर गल्फ ऑफ खंबात है गुजरात के नीचे, समझ पा रहे हैं आप लोग? तो वो क्या है, यहाँ पर पानी है लेकिन कम पानी। क्रीक अलग चीज है, गल्फ क्या है? गल्फ और क्रीक में क्या फर्क है? यदि पानी यदि थोड़ा जमा हो रहा है किसी जमीन भूभाग के अंदर जाकर के, तो क्रीक हो जाएगा, लेकिन यदि इससे ज्यादा जमा हो रहा है तो क्या हो जाएगा? गल्फ। अब देखो दोस्तों, हमने बताया कि पृथ्वी है और उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। अब यहाँ पर देखो, एक समय ऐसा आएगा लाखों करोड़ों साल के बाद में कि पानी और ज्यादा जाएगा। क्या? पानी और ज्यादा जाएगा। तो ये जो पानी जाकर के पानी की जो लहरें हैं वो जाएंगी, तो इसको क्या कर देगी? ऐसे कर देगी, और बड़ा कर देगी। जब ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो क्या बन जाएगी? खाड़ी बन जाएगी। आप लोग भारत के उधर देखते हैं, देखो ये क्या है, मैक्सिको की खाड़ी है। यदि ये सही, मतलब देखो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये क्या है? मैक्सिको की खाड़ी। ये क्या है? सही सी मात्रा में, यानी कि ये बीच की मात्रा में, बीच की मात्रा में। लेकिन जब ये ज्यादा बड़ा हो जाता है ना, जब ये ज्यादा पानी चल जाए इसके अंदर, जब बहुत बड़ा हो जाए, तो इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? बे बोला जाता है। भारत को आप लोग देख लीजिएगा, एज्यूम कीजिएगा दोस्तों कि ये यहां पर भारत है, देखो दोस्तों भारत इस साइड, भारत की इस साइड में क्या है? बंगाल की खाड़ी। क्या बन गए? ये क्या है भारत की साइड में? बंगाल की खाड़ी। और ये क्या है? अरब सागर। देखो दोस्तों, ये जो एरिया है ना बंगाल की खाड़ी, क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर तीन तरफ से पानी गिरा हुआ है, यहाँ पे क्या है, तीन तरफ से पानी गिरा हुआ है, तो ये बड़ा एरिया हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। ये तीनों चीज आपको समझ में आ गई होगी। यदि जमीन के अंदर थोड़ा सा पानी घुस जाए तो उसको क्या कहेंगे? क्रीक कहेंगे। यदि वो ही एरिया ज्यादा हो जाए, जमीन का जो जमीन के अंदर यदि क्रीक से ज्यादा पानी जाने लग जाए, तो उसको गल्फ कहा जाएगा। अब गल्फ के इसके अंदर और ज्यादा पानी हो जाए, यदि ये एरिया बढ़ जाता है, तो इसको क्या कहा जाएगा? बे कहा जाएगा। इसको हिंदी में बोला जाता है खाड़ी। गल्फ और बे दोनों एक ही चीज बोली जाती है, हिंदी में खाड़ी बोली जाती है। क्रीक का मतलब होता है हिंदी के अंदर सोता। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तत्पश्चात हम लोग देखते हैं दोस्तों बाइट क्या है। मैंने आपको फिर बताया, पहले भी बताया, अभी बता रहा हूं कि जो पृथ्वी है उसके अंदर परिवर्तन होता रहता है। तो यहाँ पे जो पानी है और उछाल मारेगा, जब ये ऐसे ऐसे था ऐसे, तो इसको इसने ऐसे कर दिया, अब इसको इसने ऐसे कर दिया, तो इसको ऐसे भी तो कर सकता है। कैसे कर सकता है? ऐसे भी तो कर सकता है। तो यानी कि एकदम चांद के आकार का कर दिया। तो इसके ऊपर जब ज्यादा पानी हो गया तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये बाइट बन जाता है। जब ज्यादा लहरें जाने लग जाती है, तो आप लोग देखेंगे कि जब ऑस्ट्रेलिया में जब आप लोग मैप पढ़ेंगे ना, देखो उसमें ऐसे बन के आएगा। तो ये जो एरिया है ना, इसको क्या कहा जाता है? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। क्या कहा जाता है? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। क्या कहा जाता है दोस्तों? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। बाइट क्या है? क्रीक का ही सबसे बड़ा रूप है। बे क्या है? बाइट का छोटा रूप है। इतना समझ में आ गया। चारों चीजें एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, ये चारों चीजें एक दूसरे की सहायक है। इसको आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे, ऐसा हम लोग आशा करते हैं। तत्पश्चात देखो दोस्तों, स्ट्रेट क्या है? स्ट्रेट और इस्थमस बड़ा ही लाजवाब कंसेप्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो दोस्तों, जो एक महासागर है ना, उसके छोटे छोटे पार्ट बन जाते हैं सागर। जैसे कि यहाँ पर अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर है, तो ये क्या कौन सा हो जाएगा? एक छोटा सागर बन गया, कैरेबियन सागर। ये क्या हो जाएगा? सार्गेसो सागर। ये क्या हो गई? मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि ये यदि जैसे कि मान के चलो यहां पर ये कौन सा एरिया हो गया, ये हो जाता है यहां पर बफिन की खाड़ी। ठीक है, यहां पे कौन सा हो जाएगा? लेबराडोर सागर। तो देखो दोस्तों, अब यहां पे जैसे कि ग्रीनलैंड है, बफिन का द्वीप है। तो देखो दोस्तों, जब कोई दो सागर को जोड़ा जाए, कोई पानी का रास्ता
दो सागर को जोड़े तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, स्ट्रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रेट कहा जाता है। जलसंधि कहा जाता है, ठीक है, जलसंधि किसे कहा जाता है? स्ट्रेट को। स्ट्रेट क्या होती है? दो सागर को जोड़े उसे पानी का रास्ता कहा जाता है। अब जैसे कि यहां पर क्या है, डेविस स्ट्रेट है। क्या है? डेविस स्ट्रेट है। क्या है? डेविस जलसंधि है। अब डेविस जलसंधि किन दो सागरों को जोड़ती है? यहाँ पे जो बफिन की खाड़ी है और लेबराडोर सागर, तीन और पांच को जोड़ती है। पांच नंबर जो है ये क्या है? पांच नंबर का नाम है लेबराडोर सागर, और तीन नंबर जो है दोस्तों इसको क्या नाम है? तीन नंबर का नाम है बफिन की खाड़ी। तो बफिन की खाड़ी और लेबराडोर सागर को कौन जोड़ता है? यहाँ पे जोड़ती है डेविस जलसंधि। तो समझ में आ गया होगा कि जलसंधि का काम करती है दोस्तों, जलसंधि का काम है दो सागरों को जोड़ना, दो जल स्रोतों को जोड़ना, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब इसमें आप लोग यदि नोटिस करेंगे तो दूसरी बात और भी पाएंगे, ये दो सागरों को तो जोड़ती है लेकिन दो भूमि के जो पैलेस है, दो लैंडमास है उनको भी अलग करती है। क्या करती है? जो लैंडमास है ना, लैंडमास को अलग करती है। समझ गए होंगे दोस्तों आप इस चीज को कि लैंडमास को तो अलग करती है, दो भूमि के भागों को अलग करती है, दो सागरों को, दो जल के स्रोतों को जोड़ती है, उसे क्या कहा जाता है? जलसंधि कहा जाता है। इसी का ठीक अपोजिट होता है दोस्तों इस्थमस। इस्थमस और पनामा जब हम लोग आपको पढ़ाएंगे ना तो यहां पर देखो ये क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस ऑफ पनामा कहा जाता है इसको। इस्थमस ऑफ पनामा का मतलब क्या है? इस्थमस का मतलब ये है कि जो दो जमीन के टुकड़े को जोड़े, जो दो जमीन के टुकड़े को जोड़े उसे कहा जाता है इस्थमस, और दो सागरों को अलग कर दे, दो सागरों को अलग कर दे, दो जल के स्रोतों को अलग कर दे, उसे कहा जाता है इस्थमस। तो यानी कि एक तरीके से स्ट्रेट वर्सेस इस्थमस, इस्थमस और जलसंधि दोनों के एक दूसरे के विरोधी होते हैं। जलसंधि तो दो सागरों को जोड़ती है जबकि इस्थमस दो सागरों को अलग करती है। वहीं पर स्ट्रेट जो है दो भूमिगत टुकड़ों को अलग करती है, इस्थमस जो है दो भूमिगत पैलेस को जोड़ने का काम करती है। अब देखो दोस्तों यहां पर एक चीज और निकल के आती है, बफर कंट्री कौन होता है और लैंडलॉक कंट्री कौन होता है। यहां पर आप लोग इस चीज को समझिएगा कि बफर कंट्री कौन होता है और लैंडलॉक कंट्री क्या होता है। ये दोनों सेम सी चीजें हैं लेकिन बहुत सी बार आप लोगों को परेशानी में डाल देगी, बहुत सी बार आपको समस्या में डाल देगी। देखो दोस्तों बफर का मतलब होता है बफर और लैंडलॉक। क्या यहां पर कनाडा की किसी जलीय सीमा यानी कि किसी महासागर से सीमा टच हो रही? तो बेसिकली हो रही इसकी, तो दो सागरों से महासागरों से सीमा टच हो रही यहां पर, इधर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से। लेकिन आप लोग एशिया के अंदर जो नेपाल है उसको यहां पर अपने इमेजिनेशन में लेके आइएगा, मैप दिखाने के लिए यहां पर समय सीमा नहीं। देखो जब भी यहां पर आप लोग देखेंगे यदि कोई ऐसा देश जिसकी किसी भी प्रकार से किसी भी सागर या महासागर के साथ में सीमा नहीं लगती उसको बोला जाता है लैंडलॉक, यानी कि वो देश जो चारों तरफ से भूमि से गिर गया हो उसे कहा जाता है दोस्तों लैंडलॉक कहा जाता है। जैसे कि आप लोग यहां पर देखते हैं कि लाओस जो है ना दोस्तों वो किसी भी जलीय सीमा से सीमा का साझा नहीं करता है। एक ऐसा देश जो किसी भी प्रकार से किसी देश से सीमा साझा नहीं करता है वो कहलाता है लैंडलॉक देश कहलाता है। भूटान को देख लीजिएगा, भूटान किसी सागर से सीमा साझा करता है? नहीं करता, तो भूटान भी क्या हो जाएगा? लैंडलॉक देश कहलाएगा। अभी यहां पर दोस्तों एक देश एक कंसेप्ट और निकल के आता है, डबल लैंडलॉक। क्या निकल के आता है? डबल लैंडलॉक। लैंडलॉक से क्या बन के आता है दोस्तों? डबल लैंडलॉक। मान के चलो कि ये पूरी एक महाद्वीप है। अब यहां पर दोस्तों सब देश किसी न किसी देश से किसी न किसी सागर से सीमा बना रहे हैं। ये है ए देश। क्या है? ए देश। ए देश कैसा हो गया? लैंडलॉक हो गया, किसी सागर से सीमा साझा नहीं कर रहा। वहां पर ही दोस्तों ये एक देश और आ गया, ये कौन सा देश हो गया? बी देश। कौन सा देश हो गया दोस्तों? ये बी देश। अब ये जो बी देश है ना ये भी लैंडलॉक हो गया। ए देश कैसा है? लैंडलॉक है, किसी भी सागर से सीमा साझा नहीं कर रहा है। बी देश कैसा है? किसी भी सागर से सीमा साझा नहीं कर रहा है। लेकिन इसी के बीच में आ जाएगा दोस्तों सी देश। अब सी देश की स्थिति क्या हो जाएगी? वो लैंडलॉक नहीं रहेगा, वो दोस्तों डबल लैंडलॉक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? डबल लैंडलॉक, क्योंकि वो देश ऐसे दो देशों के बीच में फंसा हुआ है जो कि खुद लैंडलॉक है। समझ गए? यानी ऐसा देश जो
ऐसे दो देशों के बीच में सीमा बनाता हो जो खुद लैंडलॉक हो, उसे क्या बोला जाएगा? डबल लैंडलॉक। आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। अब देखो दोस्तों, बफर देश क्या होते हैं? बफर देश का मतलब यह है, ये भी लैंडलॉक की तरह ही होता है। अब आप लोग देखोगे कि नेपाल जो है वो लैंडलॉक है या बफर है, तो देखो दोस्तों वो दोनों ही है। बफर का मतलब यह है कि एक ऐसा देश जो किसी दो महाशक्तियों के बीच में आ जाए, दो महाशक्तियों के बीच में आ जाए, यानी कि भारत एक महाशक्ति है, बिल्कुल है सुपर पावर, भारत अमेरिका, भारत चाइना को टक्कर दे सकता है, और चाइना भी एक अच्छी खासी पावर के रूप में है यार, ठीक है। तो यानी कि नेपाल जो है एक ऐसा लैंडलॉक देश जो दो सुपर पावर के बीच में आ जाए, उसे क्या कहा जाता है? बफर देश बोला जाता है। दो राइवलरी के बीच में आ जाए, एक ऐसा देश जो दो राइवलरी देशों उनके बीच में आ जाए, यानी कि जो एक तरीके से एक दूसरे के दुश्मन देश हैं, जो विरोधी देश हैं, उनके बीच में भी कोई देश पड़ जाए तो वो बफर देश होगा। अब आप लोग बताइएगा कि यहाँ पर भूटान एक बफर देश होगा या नहीं होगा? स्वाभाविक सी बात है कि चाइना और भारत एक दूसरे के राइवलरी है, चाइना और भारत एक दूसरे के विरोधी है, तो भूटान बिल्कुल बफर देश होगा। ये जो सभी कंसेप्ट समझाए हमने आपको, कि आपको समझ में आने आए होंगे और आने ही चाहिए भाई। यदि ये समझ में नहीं आए तो आगे की जो चीजें हैं वो समझने में बड़ी समस्या होगी, यानी कि समस्या भी क्या होगी, यानी कि थोड़ी सी समस्या होगी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, उत्तर अमेरिका की सीरीज के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।